नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को भैया पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को दर्शकों तक पहुंचाइएगा ताकि भैया धनंजय धड़कन को सपोर्ट मिल सके, धनंजय धड़कन अपने काम में भैया कामयाब हो सके। आप लोगों को बता दे भैया, धनंजय धड़कन ने मेहनत करके जनता का प्यार हासिल किया। प्यार हासिल करने के बाद भैया अभी हाल फिलहाल में ही धनंजय धड़कन का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट खत्म हो गया। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद आप लोग को पता होगा बेकार व भत्ता इस टाइप से लोकगीत धनंजय धड़कन ने स्टार म्यूजिक वर्ल्ड को दिया था। गाना रिलीज हो चुका, गाने में भैया अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। गाने को अच्छा रिस्पॉन्स के साथ साथ भैया इतना लोग प्यार दे रहे थे कि गाने को भैया प्राइवेट करना पड़ गया। आप लोगों को बता दें, गाना प्राइवेट होने के बाद सभी कंपनियों में राकेश कुमार जो RCM के मालिक हैं वो मना कर दिए कि यदि धनंजय धड़कन से आप लेते हैं गाना तो आपके चैनल में स्ट्राइक लग जाएगा, मतलब डरा धमका दिया और सभी कंपनी वाले इनकार कर दिए। जो धनंजय धड़कन कहते हैं भैया, आप लोग को एक और बात बता दें, धनंजय धड़कन, जी हाँ धनंजय धड़कन, मतलब अब क्या किए धनंजय धड़कन, अपने चैनल से गाना रिलीज किए धड़का तो बादल इस टाइप से, आज कोई गाना रिलीज किए थे अपने ही चैनल से और एक घंटा में भैया रियल टाइम व्यू था 1 लाख से बहुत ही ज्यादा। पब्लिक व्यू कुछ कम दिख रहा था लेकिन 1 घंटे में भैया 1 लाख व्यू मिला। लेकिन उस गाने को भी भैया आज स्ट्राइक मार दिए हैं RCM म्यूजिक के द्वारा, उस गाने भी भैया स्ट्राइक लग चुका है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि दिसंबर तक, जी हाँ दिसंबर तक धनंजय धड़कन हमारे यहां से एग्रीमेंट है और भैया धनंजय धड़कन जो है अभी वहां पे गा नहीं रहे हैं RCM म्यूजिक में, धनंजय धड़कन दूसरे कंपनी के लिए गाने के लिए चाह रहे हैं। और भैया फिर मान लीजिए 10-20 दिन 1 महीना इसी में बीत गया तो अब जब दिसंबर खत्म हो जाएगा एग्रीमेंट का तो फिर बोलेगा अब मार्च तक है, मार्च 2022 तक धनंजय धड़कन हमारे पास एग्रीमेंट किया है क्योंकि कुछ दिन तक ये नखड़ा किया। जी हाँ धनंजय धड़कन पिछले बार जो विवाद किए थे जितना दिन तक RCM में जो गाना नहीं दिए थे उसी का भैया पेनाल्टी लगा दिया है, उसी का भरपाई करवा रहे हैं राकेश कुमार कि दिसंबर तक करो, उतना दिन तक मेरा नुकसान लगाया तो उसका भरपाई कौन करेगा, समझे ना। तो बात यही है, धनंजय धड़कन का गाना आया उस गाने को भैया RCM म्यूजिक के द्वारा स्ट्राइक मार के भीतरे मिला दिया गया जो कि बहुत ही गलत है। मैं बस यही कहना चाहूंगा सबों से, चाहे वो कोई भी कंपनी वाले हो, यदि आप किसी के साथ भैया गद्दारी करते हैं तो आज आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप आज गरीब कलाकार के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कहीं से गा रहा है उसको गाने नहीं दे रहे हैं, आपका भी समय है, धनंजय धड़कन वो कुछ नहीं कवाड़ पा रहा है। इसलिए शशि लाल यादव पे भी तो आपने FIR किया था लेकिन शशि लाल यादव आपके RCM में गया नहीं गया, क्योंकि शशि लाल यादव के पास सोर्स पर भी सारा कुछ था और धनंजय धड़कन एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग को बता दें भैया जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, कुछ समय के लिए सबको मजा लगता है समझे ना, लेकिन जब भगवान का लाठी पड़ता है ना भैया तो भैया वो आवाज नहीं होता है, समझे ना। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, धनंजय धड़कन को सपोर्ट कीजिए और भैया आपका राय क्या प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। RCM म्यूजिक गलत है या धनंजय धड़कन गलत है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद, आई लव यू, जय श्री राम, शुभ रात्रि।